हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड्रॉइड पीकेजी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th कॉमर्स का अकाउंटेंसी, और अकाउंटेंसी में हम पढ़ेंगे मेरा 6th चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन दोस्तों मेरी डिक्लेरेबल बुक का है, इन्हीं के बुक को दोस्तों अपने हर वीडियो में पढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे जो क्वेश्चन नंबर मेरा सेकेंड है, सेकेंड का क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का है मेरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन का है अकाउंटिंग इक्वेशन के। आज उस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे कि उस तरह का क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, इरेज इसको कर दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो अच्छे से समझाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं इरेज कर चुका हूं और आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए है, आपकी स्क्रीन पर मेरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन दिया, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब कि मनु बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 50,000 रुपए से, बॉट फर्नीचर पर 500 रुपए से, फर्नीचर आ रहा है कैश देके, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे गुड्स परचेस हो रहा है 4,000 रुपए का, सोल्ड गुड्स ऑन कैश कॉस्टिंग 500 for 700, मतलब 500 रुपए का गुड्स 700 रुपए में बिक रहा है। रिसीव रेंट, रेंट हमको मिल रहा है 200 रुपया, परचेस गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेस कर रहे हैं कैश देके 1,000 रुपए का, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए हम निकाल रहे हैं अपने बिजनेस से 700 रुपया, पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पे कर रहे हैं कितना 400 रुपया, पेड फॉर सैलरी, सैलरी हम पे कर रहे हैं कितना 200 रुपया। तो चलिए दोस्तों, अब शायद आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, अब मैं आपको समझा दूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपको कॉलम बनाना पड़ता है, जो कि दो कंपलसरी कॉलम होते हैं, पहला कैश का और सेकंड वाला कैपिटल का। हम आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि दो कॉलम आपका कंपलसरी होता है, फर्स्ट कैश का और सेकंड नंबर जो आपका कंपलसरी कॉलम होता है वो होता है कैपिटल का। ये दो कॉलम आपका हर वीडियो में बनता है, सॉरी दोस्तों, हर एक क्वेश्चन में ये दोनों कॉलम बनेगा। तो इस दोनों कॉलम को हम नोट कर लिए। अब हमको क्वेश्चन में ढूंढना है कि हमको और कितना एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है। तो एक्स्ट्रा कॉलम बनाने के लिए बॉट फर्नीचर फॉर कैश, मतलब फर्नीचर आपका फिक्स्ड एसेट्स है, तो आप एक फर्नीचर का कॉलम बना लिए। फर्नीचर का कॉलम बनाने के बाद आपका ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड में दिया है परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब कि गुड्स का मतलब हम बताए थे आपको स्टॉक होता है, तो गुड्स का मतलब स्टॉक हम ले दिए। अब इसके बाद आपका कैपिटल का कॉलम बना ही है, लेकिन हम परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब क्रेडिट पे गुड्स परचेस कर रहे हैं, तो क्रेडिट पे गुड्स जब परचेस होता है तो क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म है CR। क्रेडिट मतलब होता है उधार, मतलब हम स्टॉक खरीद रहे हैं उधार पे, तो उधार का कॉलम भी एक हम बना दिए, मतलब क्रेडिट का कॉलम बना दिए। बाकी कोई इसमें एक्स्ट्रा इस तरह का कोई कॉलम नहीं है। अब बाकी चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपए, मतलब मनु बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश देके 50,000 रुपए। ये ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट है आपका, 50,000 रुपए से मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो बिजनेस स्टार्ट होता है तो कैश और कैपिटल में उसका अमाउंट जाता है 50,000 जो है वो अमाउंट हम कैश और कैपिटल में डाल दिए। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इसको जो है वो सेम सेम ऐसे उतार लेते हैं, 50,000 रुपये हम यहाँ उतार लें। फर्नीचर से रिलेटेड कुछ हुआ नहीं था तो फर्नीचर में 0 था, तो फर्नीचर में भी 0, स्टॉक में भी 0, कैपिटल का जितना था कैपिटल का उतार लिए और क्रेडिटर में भी 0। अब आपका ट्रांजेक्शन नंबर सेकेंड है बॉट फर्नीचर फॉर 500, मतलब कि 500 रुपये का फर्नीचर खरीदाया था, बॉट हुआ था मतलब परचेस हुआ था, तो 500 रुपये आप फर्नीचर खरीद रहे हैं, यानी फर्नीचर आपका आ रहा है 500 रुपये का, तो वो 500 वाला बैलेंस हम फर्नीचर में डाल दिए। आपके पास से कैश जा रहा है 500, क्योंकि आप फर्नीचर कैश पे परचेस कर रहे हैं, इसलिए फर्नीचर सॉरी कैश से माइनस कर दिए आप 500 रुपया। ये है ट्रांजेक्शन नंबर आपका सेकेंड है, 500 रुपये हम माइनस कर दिए कैश से। उसके बाद स्टॉक से रिलेटेड कुछ हुआ नहीं, स्टॉक में 0, कैपिटल में 0 और क्रेडिटर में भी 0।
उसके बाद इसको नॉर्मली फिर एक लाइन खींचेंगे, बाकी सब जो जितना है उसको ऐड कर दीजिए। तो ऐड कर दिए हम, और इसको ऐड करना नहीं, क्योंकि माइनस का साइन लगा है। क्यों माइनस का साइन लगा है? माइनस का साइन हम इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमारा 500 रुपया कैश जा रहा था परचेस कर रहे थे हम फर्नीचर। तो फर्नीचर परचेस करते समय हम जब 500 रुपया माइनस करते हैं, तो 500 रुपया माइनस करने के बाद 49,500 मेरा आता है। ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड जो है वो मेरा है, थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन है परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे गुड्स परचेस हो रहा है, कितने का परचेस हो रहा है? 4,000 रुपए का। 4,000 रुपए क्रेडिट पे हो रहा है, कैश से हो नहीं रहा है परचेस। तो कैश में जीरो, फर्नीचर में जीरो, क्या परचेस हो रहा है? मेरा गुड्स परचेस हो रहा है, कितने का हो रहा है? 4,000 रुपए का। तो गुड्स मतलब स्टॉक में हम 4,000 रुपए ऐड कर देंगे, क्योंकि उधार में ही सामान आ रहा है, सामान आ तो रहा है, इसलिए सामान में हम गुड्स में 4,000 रुपए ऐड कर दें। कैपिटल में जीरो, लेकिन सामान उधार पे आ रहा है, गुड्स उधार पे आ रहा है, इसलिए 4,000 रुपए हम क्रेडिटर में डाल देंगे। उसके बाद हमारा ट्रांजेक्शन नंबर जो 4 है, सोल्ड गुड्स ऑन कैश कॉस्टिंग 500 रुपीज फॉर 700, मतलब 500 रुपए का गुड्स आपका 700 रुपए में आ रहा है। तो फिर सिंपली इसको ऐसे ही जो था वो उतार लीजिए। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर हम लोग फोर्थ वाला करेंगे। इसको हम नॉर्मली उतार ले रहे हैं जो जैसे था, मतलब ऐड करते हुए जहां पे जो अमाउंट था उसको ऐड कर लिए, फिर बाकी जहां जीरो था और जीरो के साथ ऐड करके हम उतार लिए। ट्रांजेक्शन नंबर फोर मतलब कि मेरा 500 रुपए का सामान 700 रुपए में बिक रहा है, यानी 700 रुपए आपके पास कैश आ रहा है। तो 700 रुपए हम कैश में डाल दिए। फर्नीचर से रिलेटेड कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए फर्नीचर में जीरो। स्टॉक मेरा सोल्ड हो रहा है ना, क्वेश्चन में दिया सोल्ड गुड्स ऑन कैश, मतलब कि कैश पे गुड्स हम बेच रहे हैं, यानी हमारे पास गुड्स जाएगा तो कैसा आएगा? 2500 का गुड्स मेरा बिका था, इसलिए 500 रुपया मेरा स्टॉक से माइनस हो गया। माइनस करेंगे स्टॉक से हम, क्योंकि 500 रुपया मेरा स्टॉक से जा रहा है, 500 रुपये का सामान जा रहा है, इसलिए 500 रुपये हम स्टॉक से हटा दिए। समझ लीजिए 500 रुपये मेरा स्टॉक खत्म हो गया, स्टॉक से 500 रुपये को माइनस किए, लेकिन मेरा 700 रुपये आ रहा है, तो 700 रुपये ऐड कर दिए। 200 रुपये आपका प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 500 का सामान 700 बिक रहा है। तो हमेशा प्रॉफिट वाला अमाउंट आपका कैपिटल में जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और फिर क्रेडिटर में जीरो। अब फिर देखिए इसको भी सिंपली ऐड करिए, ये हो गया आपका 50,200। उसके बाद 500 रुपये यहाँ पे, इसको 3,500 रुपये आपका बचेगा, क्योंकि 4,000 में से 500 माइनस करेंगे तो आपका होता 3,500। उसके बाद इसको ऐड करिए 200 रुपया, ये इतना हो गया। उसके बाद फिर 4,000 रुपये आपका क्रेडिटर में। उसके बाद फिर नॉर्मली समझिए आप, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, सॉरी ट्रांजेक्शन नंबर 5। अब ट्रांजेक्शन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 5 पे दिया रेंट रिसीव 200 रुपीज, मतलब 200 रुपये हमको रेंट रिसीव हो रहा है, हमको किसी चीज का भाड़ा मिल रहा है 200 रुपया। तो आपके पास आ रहा है ना, जो भी आपका अमाउंट होता है वो ऐड होता है कैश में और कैपिटल में। तो कैश में 200 रुपये हम ऐड कर दिए, और कैपिटल में भी हम ऐड कर दे रहे हैं 200 रुपया। फिर क्रेडिटर में जीरो, बाकी सारे में जीरो, जिससे रिलेटेड वर्क नहीं हो रहा उसमें जीरो हम हमेशा कर देते हैं। तो इसको 200 रुपया ऐड करेंगे, ये प्लस का साइन है फ्रेंड्स, ये 5 है। उसके बाद 500, ये 3500, ये 00405, ये 4000। इसके बाद आपका ट्रांजेक्शन नंबर जो 6 है वो है, ट्रांजेक्शन नंबर 6 में दिया परचेस गुड्स फॉर कैश, मतलब कि मेरा गुड्स परचेस हो रहा है कैश पे 1,000 रुपए से। तो 1,000 रुपए मेरा कैश से माइनस हो जाएगा। उसके बाद गुड्स परचेस हो क्या रहा है, 1,000 रुपए मेरा गुड्स में ऐड होगा, क्योंकि परचेस हो रहा है गुड्स, इसलिए गुड्स में ऐड हो गया, बाकी सारे में जीरो। फिर एक नॉर्मल लाइन खींच के उसके बाद हम इसको भी ऐड करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे 1,000 रुपया। तो हो गया 49,400 प्लस 500, ये हो गया, ये 4,500 हो गया,
उसके बाद ये हो गया 5,400 प्लस 4,000 फिर एडिटर में। उसके बाद आपका जो ट्रांजेक्शन नंबर 7 है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, मतलब कि अपने पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, कितना निकाल रहा है 700 रुपया, मतलब कि अपने पर्सनल यूज के लिए 700 रुपया निकाल रहा है बिजनेस से। तो आपका क्या हो जाएगा, 700 रुपया कैश और कैपिटल से माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपके बिजनेस से पैसा वो 700 निकाल रहा है। तो ट्रांजेक्शन नंबर जो 7 है वो आप माइनस कर देंगे 700 रुपया कैश से और 700 रुपया आप अपना कैपिटल से, बाकी सब में 0। तो ये है आपका 4,000। उसके बाद ये है जब 700 रुपया माइनस होगा इसमें से तो 0 0 और यहाँ हो जाएगा 7 या 9 या 4। उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ 4,500, ये 5 है फ्रेंड्स। और उसके बाद यहाँ पे 500, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा 0 0 7 8 4। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर जो आपका 8 है वो है ट्रांजेक्शन नंबर 8, आपके सामने दिया है कि पे टू क्रेडिटर 400 रुपया, क्रेडिटर को 400 रुपया पे कर रहे हैं, यानी क्रेडिटर को पे कर रहे हैं तो आपके पास से कैश तो जाएगा ही, तो कैश से ही पे कर रहे हैं आप अपना अमाउंट, तो 400 रुपया कैश से माइनस हो गया। बाकी अगर क्रेडिटर का कॉलम नहीं देता और राइट ये बोलता है कि आप क्रेडिटर को पे कर रहे हैं 400 रुपया, तो आप अपने कैपिटल से माइनस कर देते हो 400 रुपये का जो बैलेंस है अमाउंट है, लेकिन क्रेडिटर का कॉलम दिया और पहले से आप क्रेडिट पे गुड्स परचेस कर चुके हैं 4,000 रुपये का, तो उस 4,000 में से आप 400 रुपया उसको दे रहे हैं अपना बोझ कम करने के लिए कि चलो भाई मेरे पास 400 रुपये है, हम क्रेडिटर को 400 रुपये पे कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, आपका 400 रुपया का बोझ कम हो रहा है, इसलिए 400 रुपया आप क्रेडिट से माइनस कर दिए। उसके बाद जो कैपिटल में वो आपका हो जाएगा 0, क्योंकि कैपिटल से रिलेटेड कुछ हुआ नहीं है, और बाकी सब में 0, 400 रुपये कैश से भी माइनस। अब सिंपली एक नॉर्मली लाइन खींच लिए और ये जो आपका 400 था ही, उसके बाद आप इसको भी सिंपली नॉर्मली हर एक क्वेश्चन की जैसे अभी तक ऐड किए हैं इसको भी ऐड करिए, तो ऐड इसमें करना नहीं है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो 0 0 7 में से 4 जाएगा 3 8 और यहाँ 4। उसके बाद प्लस 500 प्लस 4,500, उसके बाद मेरा यहाँ 49,700 और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 3,600। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर आपके सामने जो 9 दिया है, पेड फॉर सैलरी 200, मतलब कि सैलरी पे कर रहा है, कितना रुपए पे कर रहा है 200 रुपया, तो यानी जो भी पेमेंट हो रहा है आपका कैश से ही होगा, तो कैश से आप उनको ट्रांजेक्शन नंबर 9 है 200 रुपया आप सैलरी पे कर रहे हैं, यानी आपके पास से कैश जा रहा है और 200 रुपये का कैश जा रहा है, तो आपको कैश और कैपिटल से 200 रुपया माइनस हो जाएगा, बाकी सारे ट्रांजेक्शन में यहाँ पे 0 हो जाएगा। और इसको माइनस करने के बाद आपको कितना बचेगा, ये 48, 100 रुपया बचेगा, ये 500, जगह कम है दोस्तों थोड़ा, ये 4,500 और ये आपका बचेगा 49,500 और ये आपका बचेगा 3,600, जगह कम है दोस्तों। और क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए दोस्तों, और इसको करने के बाद आपको एक सिंपली और नॉर्मल काम एक आपको ये करना रहता है कि आप क्या करेंगे, आप कैसे पता करेंगे कि मेरा क्वेश्चन सही है या गलत है, तो उसको पता करने के लिए आप सिंपल एक वर्क करेंगे, और वर्क आपको क्या करना होगा कि आप चेक करेंगे कि आप क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है किसी भी क्वेश्चन का, कि जो ये इज इक्वल टू यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है, इस इक्वल टू के इधर का अमाउंट और इस इक्वल टू के इधर का अमाउंट दोनों जोड़ने के बाद दोनों तरफ का अमाउंट अगर इक्वल आता है तो जानिए आपका क्वेश्चन सही है। तो आइए हम भी चेक कर रहे हैं, 48,100 में 500 ऐड करेंगे, या फिर ऐसे सिंपल जोड़िए कि 4,500 ये या 500 ये, तो 5,000 ये हो गया, 5,000 और 48,100 ये हो गया, तो 48,250 53,100 इधर का अमाउंट जोड़ने के बाद मेरा 53,000 मतलब 53,100 आ रहा है, ऊपर हम लिख दे रहे हैं 53,100,
नीचे जगह नहीं दोस्तों, इसलिए हम ऊपर लिख दिए हैं। और इधर सब भी हम एक बार जोड़ रहे हैं, देखिए कितना आता है। तो यहाँ पे दिया है 49,500 और यहाँ दिया 3,600। तो 49 में 36 से ऐड करते हैं तो ये मेरा हो जाता है 6। ये भी देखिए आपका आ रहा है 53,100। दोस्तों आपका क्वेश्चन सही है, यानी जब ये दो अमाउंट आपका आ गया दोनों तरफ का इक्वल, तो जानिए आपका क्वेश्चन सही है। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ आएगा दोस्तों। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज अगली वीडियो फिर मिलेगी।